कक्षा आठवीं। आज हम पत्र पढ़ेंगे, पत्रों का सही वितरण न होने पर अपने स्थानीय पोस्टमास्टर को प्रार्थना पत्र लिखो। कि जो पत्र हैं वो सही तरीके से बांटने जा रहे हैं, इसलिए उनको प्रार्थना पत्र लिखो। सेवा में मुख्य पोस्टमास्टर साहब सोरा, श्रीमान जी सबने निवेदन ये है कि हमारे मोहल्ला नगरी में जो डाकिया डाक बांटने के लिए नियुक्त किया गया है वह अपने कर्तव्य का पालन भली भांति नहीं करता, जिससे हमें कई बार भारी हानि उठानी पड़ी है, क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण डाक इधर उधर हो जाती है। वह कभी समय पर डाक बांटने नहीं आता, कई बार तो दोनों समय के पत्र जो हैं एक ही बार में बांटता है, इससे अवश्य पत्र देर से मिलते हैं। हमने अपने घर के आगे लेटर बॉक्स लगाया हुआ है, लेकिन वह इधर उधर गिरा देता है या गली में खेल के बच्चों को पकड़ा देता है, लेटर बॉक्स में पत्र नहीं डालता, जिससे आवश्यक पत्र जो है हमारे वो गुम हो जाते हैं। मेरे अलावा उसकी लापरवाही से सभी मोहल्ला निवासी भी बहुत तंग हैं, उसका व्यवहार भी मोहल्ले वालों के साथ अच्छा नहीं। इन सभी बातों के लिए कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन उसने इस ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप डाकियों को, जिसका नाम राम सिंह है, चेतावनी दीजिए, जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी तथा सत्कर्ता से निभाए, अथवा उचित समझे तो उसे बदल दीजिए। धन्यवाद। निवेदक राजन डोडा।